आजकल हमारे साथ नगर पालिका परिषद बलिया वार्ड नंबर 12 के सभासद अमित दुबे हैं। अमित जी, आप पिछले दिनों आप बता रहे हैं कि सभी सभासदों के साथ आप जिला अधिकारी से मिलने गए थे, तो नगर पालिका में ऐसा क्या चल रहा है कि जिला अधिकारी के पास जाना पड़ गया आप लोगों को? देखिए, हमें बहुत दुख के साथ अवगत कराना पड़ रहा है बलिया के नगर के जनपदवासियों को कि आए दिन नगर पालिका में विवाद की स्थिति बनी हुई है। हम लोग नगर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित थे कि नया बोर्ड आया है नई उमंग के साथ, और हम लोग के चेयरमैन भी 200 करोड़ 500 करोड़ 400 करोड़ की बातें करते हैं। हमें लगा था कि नई ऊर्जा के साथ नए चेयरमैन आए हैं और उनका मनोबल हाई है और नगर में कुछ विकास कार्य होगा, लेकिन डेढ़ साल लगभग बीत जाने के बाद भी केवल उनकी बातों में कोई दम नहीं था, कोरा कागज़ की तरह सारे वादे हैं। और उन्होंने एक बयान दिया था, सुने होंगे, कि बलिया का विकास अगर मेरे द्वारा नहीं हुआ तो बलिया को शापित समझा जाए। नेताओं का विकास में कोई अवरुद्ध नहीं आ रहा है, विधायक जी कुछ दिन कार्यकाल के बाद सांसद जी का चुनाव लड़ते हैं, सभासद है जो तीन चार बार सभासद होने के बाद चेयरमैन बनने की ख्वाहिश पालने लगता है। आप चेयरमैन हैं और कहते हैं बलिया स्थापित है और उतना फंड आ रही है सरकार से, उसके बाद भी बलिया में विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, यह बहुत चिंतनीय है। और हम लोगों ने पिछले 9 तारीख को DM से मिलकर बलिया जनपद के विकास में तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने बात की थी और 2500 सभासद एक स्वर से कहे थे कि बलिया में चाहे आप देख लीजिए, सड़क की व्यवस्था हो, टूटी हुई नालियां हैं, क्रैश ड्रेन है, सब टूटी हैं, जीर्ण अवस्था में है, जल निकास की समस्या आ रही है, और जो स्ट्रीट लाइट नगर पालिका के द्वारा लगाई गई है वो लगभग हर वार्ड में 20-25 लाइटें बंद हैं, जिसके रिपेयर मरम्मत के लिए जो पार्ट्स होते हैं, ड्राइवर है, स्विच है, ये सब आपूर्ति नहीं करा पा रहे हैं, आप क्या विकास की बात करेंगे। साथ ही हम लोगों ने एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है कि अगर रोड नाली क्रैश ड्रेन टूटी हुई पट्टिया ये स्ट्रीट लाइटों को तत्काल मरम्मत नहीं कराया गया, और जो सामान्यतः जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है नामांतरण की प्रक्रिया है उसको आप लगभग 2-2 महीने तक फंसाए रह रहे हैं, 2-2 सालों तक नामांतरण नहीं हो पा रहा है, इससे दुख का विषय क्या हो सकता है? आप क्या जनता को रिलीज देंगे और सुविधा देंगे? हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि अगर ये दुर्व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तौर पर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य होंगे। इसके पहले भी आप चेयरमैन का विरोध किए थे, फिर लगातार, चूँकि लगातार दूसरी बार से आप सभासद हैं, तो दोनों कार्यकाल में किसको अच्छा मानते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर अजय कुमार को लोग तमाम टीका टिप्पणियाँ करते थे, लेकिन आज भी आप चले जाइए हर वार्ड में 10 शिलापट मिनिमम 10 शिलापट आपको देखने को मिल जाएगा। वह आदमी लाख चाहे जो भी हो, लेकिन उसकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। मैं 5 साल उसके साथ बिताया हूँ। निश्चित तौर पे बातचीत करने का तौर तरीका सबका अलग होता है, कोई ऐसा कुछ और करना कुछ और, ठीक है, वो उनका राजनीतिक विषय है, अलग है, लेकिन विकास के नाम पर देखेंगे तो वो 5 साल जो है वो भी कार्यकाल देख लेंगे, उसके तुलना में वो स्वर्णिम काल से कम नहीं होगा, क्योंकि मेरे वार्ड में भी कम से कम पिछले कार्यकाल के 15 शिलापट लगे होंगे और कम से कम 5 साल में ही 3-4 करोड़ के काम हुए होंगे। आखिरी सवाल है कि आप भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के चेयरमैन हैं, सपा भाजपा सरकार है, इसके बाद भी विकास नहीं हो रहा? ये ट्रिपल इंजन की सरकार के वादाओं पे बलिया में आए थे, लेकिन वो ट्रिपल इंजन फेल है, इंजन एक ही रहे लेकिन मजबूत रहे तभी विकास करें।